हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यामा की R15 वर्जन 3 या न्यूली लॉन्च ड्यूक 125। यस, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स का, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों के डाउट हैं कि भाई हमें कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, यामा R15 3 लेनी चाहिए या फिर ड्यूक 125 खरीदनी चाहिए। हालांकि दोनों बाइक्स में बहुत डिफरेंस है, बट अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो जान जाएंगे आपके लिए कौन सी बाइक लेना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोनों के प्राइस के बारे में। यामा R15 वर्जन 3 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू ड्यूक 125, जहां यामा R15 वर्जन 3 का प्राइस 1,52,000 एक्स शोरूम प्राइस है, वहीं ड्यूक 125 आपको 1,38,000 एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाती है। सो अब बात करें इन दोनों की बाइक के लुक के ऊपर, तो लुक्स में दोनों ही बाइक्स आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ड्यूक 125 जहां नेकेड बाइक है, वहीं R15 वर्जन 3 फुली फेयर स्पोर्ट्स बाइक है। अगर हम पहले ड्यूक 125 की बात करें तो आपको नेकेड लुक मिलता है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छा मिल जाता है बाइक का और पेंट स्कीम भी काफी अच्छा है। जो लेटेस्ट ड्यूक 125 आई है उसमें जो स्टिकरिंग वर्क मिलता है आपको, वो आपको बहुत ज्यादा स्पोर्टी फील करवाता है कम्पेयर टू ड्यूक 200। और अगर हम R15 वर्जन 3 की बात करें तो एक ये फुली फेयर स्पोर्ट्स बाइक है, फ्रंट से काफी अच्छा लुक देती है आपको और फ्रंट में ही LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है और साइड से भी ये आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला ही फील देती है और किसी भी एंगल से ये 150 सेगमेंट की बाइक नहीं लगती। दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ड्यूक में आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो FI टेक्नोलॉजी के साथ आता है और साथ में बाइक में पावर आउटपुट जनरेट होती है 14.5 PS की, जो प्रोड्यूस करता है 12 Nm का टॉर्क 6 स्पीड गियर मैनुअल के साथ। ऑन द अदर हैंड R15 वर्जन 3 की बात करें तो इसमें आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 19.3 PS की पावर और 15 Nm का टॉर्क। इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। सो गाइस, दोनों ही बाइक्स में काफी अच्छे अच्छे सिस्टम्स का यूज किया गया है, जैसे कॉमन है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाइक्स की फ्यूल टैंक की बात की जाए तो ड्यूक में आपको मिलता है 10.2 लीटर का फ्यूल टैंक और R15 वर्जन 3 में मिलता है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक। और अगर माइलेज की बात करें तो R15 वर्जन 3 हाईवेज पे आपको इजीली 40-45 का माइलेज दे देगी और सिटी राइड्स में 35-40 का इजीली माइलेज दे देगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम ड्यूक 125 की बात करें तो इसमें आपको सिटी में 35-40 का माइलेज मिल जाएगा और हाईवेज पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर माइलेज की बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम है, जबकि यामा में आपको ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क देखने को भी मिल जाता है। अभी रिसेंटली ही मैंने एक ड्यूक 125 का राइड रिव्यू बनाया था, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने बाइक के हर फीचर को आपको एक्सप्लेन करके बताया है। यामा R15 वर्जन 3 भी मैंने बहुत बार चलाई है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जो यामा की R15 वर्जन 3 को चलाने में मजा आता है, वो ड्यूक 125 को चलाने में नहीं आता। ड्यूक 125 का वेट ज्यादा होने के बाद भी ये बाइक आपको लाइट फील होती है और यही चीज ड्यूक 125 की सबसे अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ड्यूक 125 में मिल जाता है आपको 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो ऑफ रोडिंग और स्टंट्स के हिसाब से बनाया गया है, और R15 वर्जन 3 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साथ में ही जो व्हील बेस है ड्यूक 125 सीसी में थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है ताकि बाइक की स्टेबिलिटी बनी रहे। वैसे तो आपको ना R15 वर्जन 3 में कोई स्टेबिलिटी का इशू आएगा, ना ही ड्यूक 125 में कोई स्टेबिलिटी का इशू आएगा। अब अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो यामा की R15 वर्जन 3 ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि इस बाइक को लॉन्च हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ड्यूक 125 की बात करें तो ये बाइक अट्रैक्टिव तो लगती है क्योंकि इसके जो स्टिकरिंग वर्क है काफी फ्रेश फील देते हैं बाइक को, बट इस बाइक का इतना रोड प्रेजेंस नहीं है। इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि ड्यूक 125 ड्यूक 200 के डिजाइन के ऊपर ही बेस्ड है और ड्यूक 200 को मार्केट में आए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं। जहां ड्यूक में हमें नॉर्मल हैंडल बार देखने को मिलते हैं, वहीं R15 वर्जन 3 में हमें क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोनों ही बाइक्स की हैंडलिंग काफी अच्छी है और सिटी में राइड करने में दोनों को मजा आता है। ब्रेकिंग की बात की जाए तो ड्यूक 125 में हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है और ये फीचर अभी R15 वर्जन 3 में नहीं आया। यही R15 वर्जन 3 के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जहां ड्यूक में हमें फ्रंट में 300 mm और रियर में 220 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है, वहीं R15 वर्जन 3 में हमें फ्रंट में 267 mm और रियर में 260 mm की डिस्क मिल जाती है। सो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ड्यूक 125 ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्योंकि इसके अंदर हमें ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है। मीटर R15 वर्जन 3 का ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लगता है इन कंपैरिजन टू ड्यूक 125, बट अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो R15 वर्जन 3 में हमें नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूक में हमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं।
सीट की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। देखने में R15 वर्जन 3 की सीट थोड़ी सी ऊंची होने के कारण थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है पिलियन को। ऑन द अदर हैंड ड्यूक 125 की सीट देखने में तो कंफर्टेबल है बट बैठने में बहुत ज्यादा हार्ड है, और अगर आप इसे लॉन्ग टूरिंग पे चलाएंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप सीट हाइट की बात करें तो ड्यूक में आपको 818 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है शॉर्ट राइडर्स के लिए। ऑन द अदर हैंड R15 वर्जन 3 में हमें 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, जो शॉर्ट और टॉल राइडर्स दोनों के लिए ही सही है। और अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो R15 वर्जन 3 यहाँ पर बाजी मार के ले जाती है। टॉप स्पीड R15 वर्जन की 140-145 km/h है, और वहीं ड्यूक 125 की आपको 120-125 km/h देखने को मिलती है। तो गाइस ये तो कुछ डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेटर रहेगी। अगर आप लुक्स, अट्रैक्टिव और बेटर माइलेज देखो तो R15 वर्जन 3 ले सकते हो, और अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर सेफ्टी फीचर देखेंगे तो गो फॉर ड्यूक 125। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी बाइक ज्यादा बेटर लगी, R15 वर्जन 3 या ड्यूक 125। सो आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज थम्स अप जरूर देके जाना इस वीडियो को, और इसी तरह की बाइक वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए गाइज मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।